सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 4.1 देखा, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 आपका किस पे बेस है? प्रोबेबिलिटी पे बेस है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने डीप में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो फिर से मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ के होने या आने का चांसेस ही आपका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, किसी भी चीज के आने या होने का चांसेस ही आपका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो आपको क्वेश्चन के अंदर दो एक्सपेरिमेंट देके रखा है, आपको इसके आउटकम का लिस्ट बनाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दो एक्सपेरिमेंट देके रखा है, उसका आपको क्या करना है? आउटकम बनाना है, आउटकम का लिस्ट बनाना है। ठीक है, उसका आपको क्या करना है? आउटकम का लिस्ट बनाना है कि क्या आ सकता है उसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, मतलब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है आपके पास? स्पिनिंग अ व्हील। ठीक है, स्पिनिंग अ व्हील, आपको क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का डायग्राम दिख रहा होगा, एक व्हील का डायग्राम दिख रहा होगा, एक व्हील टाइप का डायग्राम है ये। और इसको जब आप स्पिन करोगे, कोई ना कोई एक अल्फाबेट आएगा, और देखो इसके बीच में एक एरो है। ठीक है, तो जो अल्फाबेट है ना, एरो के बीच में आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आउटकम हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए कि एरो के बीच में जो भी अल्फाबेट आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आउटकम हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? स्पिनिंग अ व्हील। अगर मैं एक व्हील को स्पिन करता हूँ तो मेरा क्या क्या अल्फाबेट आ सकता है? ठीक है, तो सबसे पहला अल्फाबेट में देखते हैं, सबसे पहला अल्फाबेट क्या है आपके पास? सबसे पहला अल्फाबेट देखते हैं ए। ठीक है, तो ए आ सकता है। ठीक है, ए आ सकता है। अभी आप बोलोगे यहाँ पे दो ए है, तो दो ए को भी मैं सिंगल ए में लिख सकता हूँ। ठीक है, दो ए को भी मैं सिंगल ए में लिख सकता हूँ। अभी मैं बोलता आपको कि मुझे ए का आउटकम बताओ, कि ए का आउटकम क्या आएगा, तो सिंपल आप बोलते टू, टू बोलते। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या बताना है? सिंपल आउटकम बताना है। तो सिंपल दो ए को भी मैं ए के में कंसिडर कर सकता हूँ। अभी क्या है मेरे पास? बी। ठीक है, बी भी आ सकता है अगर मैं स्पिन करूँ तो, बी भी आ सकता है अगर मैं इसको स्पिन करूँ तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ सकता है आपका? सी भी आ सकता है, अगर मैं व्हील को स्पिन करूँगा तो सी भी आ सकता है। तो इसके बाद क्या आता है आपका लास्ट का, कि मैं अगर व्हील को स्पिन करूँ तो मेरा डी भी आ सकता है। ठीक है, डी भी आ सकता है, दूसरा ए भी आ सकता है, बट मैंने क्या बोला? ए को मैं उसी में कंसिडर करता हूँ, पहले वाले में कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ए को मैं पहले वाले में कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो अभी आपके पास कितना आउटकम हो गया? 1, 2, 3, 4। ठीक है, ए बी सी डी, तो कितना आउटकम हो गया आपके पास? 4 आउटकम हो गया। तो सिंपल आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आउटकम। और कौन कौन से आउटकम है आपके पास? ए बी सी डी। ठीक है, कौन कौन से आउटकम है आपके पास? ए बी सी डी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का एक्सपेरिमेंट हो गया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का एक्सपेरिमेंट हो गया। देखते हैं हम सेकंड पार्ट का एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं सेकंड पार्ट का एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है। ठीक है, टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर, अगर मैं दो कॉइन को साथ में टॉस करूं तो क्या क्या आ सकता है? सिंपल मुझे इस क्वेश्चन में ये बताना है, इस एक्सपेरिमेंट में मुझे ये बताना है। अभी सिंपल आप समझो, एक कॉइन को जो आप टॉस करोगे तो क्या क्या उसके अंदर से आ सकता है? एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? एक हेड और एक टेल आ सकता है। अभी मुझे दो कॉइन को साथ में टॉस करना है। ठीक है, दोनों कॉइन को मैं साथ में टॉस कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहला कॉइन 1 ले लेता हूँ और दूसरे कॉइन को मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, अभी पहले एक ही साथ मैंने दोनों को टॉस किया तो पहला मेरा क्या आ जाएगा? पहला मेरा पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है। अब दूसरी बार अगर मैं उठा के उसको टॉस करूंगा तो क्या आ सकता है? दोनों में टेल भी आ सकता है, दोनों में टेल भी आ सकता है। अब तीसरी बार मैं क्या करूंगा? तीसरी बार अगर मैं टॉस करूंगा तो क्या आ सकता है? एक में हेड आ सकता है और एक में टेल आ सकता है। ठीक है, अब चौथा बार अभी भी होगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा? इसमें हेड आ सकता है और इसमें टेल आ सकता है। ठीक है, इसके आगे होगा ये? इसके आगे ये सिंपल नहीं होगा। ठीक है, अब जब नहीं होगा तो कितने पॉसिबिलिटी आए? सिंपल मुझे ये बताना है। तो कितने आउटकम या फिर पॉसिबिलिटी भी आप बोल सकते हो, आउटकम कितने आए? सिंपल पहली बार अगर टॉस किया मैंने तो कितना आ गया? दो हेड आ गया। दूसरी बार मैंने टॉस किया तो कितना आ गया? दो टेल आ गया। अब तीसरी बार जब मैंने टॉस किया तो कितना आया? हेड और टेल आ गया। और चौथी बार किया तो टेल और हेड आ गया। तो कितने आउटकम आए टोटल? 4 आउटकम आए। देखो मैंने पहली बार किया तो मेरा पहले के अंदर ही, पहले आउटकम के अंदर ही कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, पहले आउट के अंदर ही मेरा, पहले आउटकम के अंदर ही मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। अब सेकंड वाला, सेकंड आउटकम है टेल टेल। ठीक है, हेड टेल मेरा थर्ड आउटकम हो जाएगा और टेल हेड मेरा फोर्थ आउटकम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4 आउटकम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 आउटकम। और ये आप डायग्राम बना देना आपका आंसर से। तो टोटल आउटकम कितना हो गया आपके पास? 4 आउटकम। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।